फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने भूत पुलिस का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। दोस्तों फिल्म हमें 17 सितंबर को देखने को मिलने वाली है, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली है, जो कि आप सभी को भी पसंद आएंगी। खासकर सैफ अली खान की एक्टिंग जो हमें देखने को मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया। कॉमेडी तो इतनी ज़बरदस्त करते हुए नजर आ रहे ट्रेलर में, तो फिल्म को देखना तो ज़रूर बनेगा दोस्तों। और इस ट्रेलर में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, जानने के लिए वीडियो का एंड तक ज़रूर से देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और वेब मूवी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम भूत पुलिस का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का नाम भूत पुलिस इसलिए रखा गया है क्योंकि फिल्म में हमें इनकी गाड़ी देखने को मिल रही है, जो कि भूत पुलिस से नाम से देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। फिल्म में सैफ अली खान जैसे हमें पता है विभूति का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, अर्जुन कपूर चिरंजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों सैफ अली खान की जो एक्टिंग हमें देखने को मिल रही है इस ट्रेलर में वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों ये किसी के घर में जाकर तांत्रिक पूजा कर पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें देखने को मिल रही है। दोस्तों सैफ अली खान एक झूठे यानी कि एक फेक तांत्रिक हमें नजर आ रहे हैं। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस भी मौजूद है, जो कि अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और इनका भी रोल बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है सैफ अली खान के साथ में। फिल्म में अर्जुन कपूर भी है, हालांकि इनकी तरफ से कुछ अच्छी खासी एक्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती। देखना ही होगा कि इस फिल्म में इन्हें कुछ अच्छा किया है, वैसे ट्रेलर में तो मुझे कुछ भी खास देखने को नहीं मिला इनकी तरफ से। दोस्तों फिल्म में हमें यामी गौतम भी देखने को मिलने वाली। मजा जब आती है दोस्तों इस ट्रेलर में, जब इन्हें असलियत में किसी भूत से सामना करना होता है, जो कि यामी गौतम के एक स्टेट में एक असली भूत हमें देखने को मिला, जिसका नाम है किचकंडी, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया। और यही दोस्तों ट्विस्ट है इस फिल्म में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है। जब सैफ अली खान यानी कि विभूति और चिरंजी इस स्टेट में पहुंचते हैं, तो वहां पर गो कोरोना गो की जगह इन लोग गो किचकंडी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। दोस्तों मतलब कॉमेडी भर भर के डाली है। इनके पास एक किताब देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। हालांकि सैफ अली खान इस बुक पर कुछ विश्वास करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म के जो लास्ट सीन में ये इसी बुक से भूत को भगाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस का रोल भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिल सकता है, जो कि माया और कनी का रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से जो ट्रेलर में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली वो है पहली बात कॉमेडी, और हॉरर भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। वैसे देखना होगा कि 17 सितंबर को फिल्म जब रिलीज़ होती है कि सचमुच इतना हॉरर हमें देखने को मिलता है कॉमेडी के साथ में या नहीं। दोस्तों फर्स्ट लुक में तो ट्रेलर के हिसाब से फिल्म काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है, खासकर सैफ अली खान। दोस्तों इन्हीं की तारीफ होंगी इस फिल्म में, मुझे ऐसा ही लग रहा है। इस ट्रेलर को मैं 5/4 स्टार दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।